हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं ट्राई और ब्रॉडकास्टर के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर सभी ब्रॉडकास्टरों, सभी स्टेक होल्डर, सभी डीपीओ से मांगा था। उसके बाद दोस्तों जनवरी में इसका रूल नया आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूं, ट्राई का जो नया रूल है जनवरी 2020 में इम्प्लीमेंट एक बार फिर से होने जाएगा। और इसमें मेन मुद्दा है कि क्या ब्रॉडकास्टरों के पेड चैनल फ्री होंगे, क्या ब्रॉडकास्टर के पेड चैनल डीडी फ्री डिश के भी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों बता दूं, ट्राई के नया रूल आने से पहले स्टार, कलर्स, सोनी और जी के कुछ चैनल्स डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए जाते थे और बाद में उन्हीं चैनलों को पेड कर दिया गया था। उनका प्राइस ₹1 के आसपास कर दिया गया था, जैसे कि स्टार का स्टार उत्सव था, सोनी पल था, सोनी मिक्स था, उसके अलावा जी अनमोल था, जी अनमोल सिनेमा था। ऐसे चैनल्स डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे पहले बिल्कुल फ्री में दिखाया जाता था, बाद में इसकी प्राइस ₹1 तक कर दिया गया था। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर और ट्राई के बीच में जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो पहले चैनल्स आप बिल्कुल फ्री में दिया करते थे, उन चैनलों को फ्री में ही दे ताकि डीडी फ्री डिश के भी प्लेटफॉर्म पे इस चैनल को ऐड किया जा सके, जिससे ब्रॉडकास्टरों को भी फायदा हो सकता है और साथ ही ग्राहकों को भी फायदा हो सकता है। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टर्स अपने जो इन चैनलों को जो प्राइमरी चैनल्स थे इनके, अगर उन्हें FTA करते हैं या उनके प्राइस 3 पैसा के आसपास करते हैं, उससे कहीं न कहीं ज्यादा ग्राहकों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही इससे प्राइवेट DTH और केबल TV को झटका लग सकता है। क्योंकि अगर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे स्टार उत्सव, कलश रिश्ते, सोनी पल जैसे चैनल्स, जी अनमोल जैसे चैनल्स अगर वापस आ जाते हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं प्राइवेट DTH को झटका लग सकता है। इसीलिए ब्रॉडकास्टर यहाँ पे काफी समय ले रहे हैं ताकि प्राइवेट DTH पे भी उनकी सब्सक्राइबर्स बेस बना रहे और डीडी फ्री डिश के भी प्लेटफॉर्म पे वो कुछ अपने चैनल्स को लॉन्च कर सके। जैसा कि दोस्तों बता दूं कि अगर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल सिनेमा जैसे अगर चैनल लॉन्च होता है एक बार फिर से, तो डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर बेस और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो कि जनवरी 2020 में पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बता दूं कि अभी के टाइम पे दंगल अक्रॉस ऑल जेनर में नंबर 1 चैनल बन रहा है। इससे पहले बता दूं कि स्टार भारत जैसा चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में चला करता था, जो कि अभी के टाइम पे उस चैनल का प्राइस ₹10 है अलाकाटे में। अगर स्टार भारत अगर चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे चलता तो दंगल का अंडर 10 में आना मुश्किल था, क्योंकि स्टार भारत बहुत अच्छा चैनल है, उसके कंटेंट भी लेटेस्ट आते हैं, जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर बेस ज्यादा हो सकते थे। ये सारी चीजों को स्टार देखते हुए डिसीजन लेने पे मजबूर हो रहा है कि उन्हें फिर से एक बार डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे ये पेड चैनल्स उतारना चाहिए, जिससे उनकी रेवेन्यू बढ़ सकती है। ये कुछ मुद्दे हैं जो कि जनवरी में आपको मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें अगर ब्रॉडकास्टर ट्राई की बात के अकॉर्डिंग मान जाता है, तो आपको एक बार फिर से स्टार, कलर, सोनी, जी के पेड चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे, साथ ही प्राइवेट DTH केबल TV के भी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।